सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पांकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में उप प्रमुख के कक्ष पर किया गया कब्जा, प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख ने जताई नाराजगी। पांकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में उप प्रमुख के कक्ष पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पत्रकारों को बताया कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में उप प्रमुख के कक्ष को उप प्रमुख राजेंद्र पांडे के बगैर जानकारी के हटा दिया गया व कक्ष का ताला तोड़कर उस पर कब्जा करते हुए कक्ष में रखे कुर्सी, टेबल एवं अलमारी व आवश्यक कागजात को भी हटा दिया गया व उस कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाकर अंचल रिकॉर्ड रूम बना दिया गया। हालांकि प्रखंड प्रमुख के द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी निर्भय कुमार से पूछने पर अंचलाधिकारी ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है व इस संबंध में नजारत से पूछकर वे बताएंगे, जबकि नजारत का कहना है कि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अंचल कर्मी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कमरे हटाने को लेकर प्रखंड उप प्रमुख सहित अन्य प्रतिनिधि के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों ने उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त पलामू को लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई करने की भी बातें कही है। इस संबंध में पत्रकारों ने जब अंचलाधिकारी निर्भय कुमार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। सीओ साहब अथी लगवाए थे, कैमरा लगवाए थे दोनों में, इसमें उसमें तो कैमरा यहाँ नहीं लगा, उसमें तो लगल है ना। क्यों लगवाए? वो रिकॉर्ड रूम रिकॉर्ड उकॉर्ड रखा है इसलिए लगा। क्यों रिकॉर्ड वहाँ रखा है? समझे हम उतना हम नहीं बता, हम नहीं बोले हैं, हमारे आदेश से हम तो जानकारी नहीं था, हमारे हमको जानकारी अभी आदेश दिए हैं कि राजेश साहब हमको बोले तो बोले थे, पूछिए ना भाई सामने। अरे वहाँ खाली हुआ था तो सब साथ ला के रखवाए थे। आपने आदेश नहीं किया? सच्चाई है से बोलिए ना। आपने आपने आदेश नहीं दिया? मैं प्रखंड उप प्रमुख राजेंद्र पांडे 19 तारीख को जब पांकी प्रखंड में आए तो मैं अपना चैम्बर का ताला लगा हुआ देखा। उसके बाद पहले ब्लॉक के बड़ा बाबू से हम पूछे कि हमारे ऑफिस में ताला क्यों लगा हुआ है, तो कहें कि हम नहीं बता सकते हैं, नीचे जाके अंचल के नाजिर से पता कीजिए। जब नीचे अंचल के नाजिर से मिलने गए तो बोले कि वहाँ पर जो है सो सीओ साहब अपना कागजात जो है सो रखवाए हैं। हम कही कि ऑफिस जब मेरा था तो बिना हमको जानकारी लिए हुए इसमें से कुर्सी टेबल सब हटा दिया गया और सामान क्यों रख दिया गया? तो बोले कि इसका जवाब सीओ साहब ही दे सकते हैं। सीओ साहब बात की इस संबंध में? नहीं, इस समय में हमको जानकारी दिए लेकिन उस इस पर कोई बात नहीं किए। क्या मांग करते?